तुमने सुना क्या? वो जो अपना अमन है उसके साथ अभी अभी 4 बजे का हादसा हुआ है। क्या बात कर रहे हो? मेरी दोस्त विनीता के साथ भी ऐसा हुआ। दोपहर तक तो दोनों ठीक थे, अब ऐसा क्या हो गया? पागल है। शार्क्स, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि सुबह के हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट से लेके दोपहर के हेल्दी घर के खाने तक का जो सफर है वो तो बहुत आसानी से कट जाता है, बट जैसे ही बचते हैं 4, दुनिया थम जाती है। आपको कुछ दिखाई नहीं देता आसपास। अगर कुछ दिखता है तो वो है भूख, पेट की भूख। और फिर आप टूट पड़ते हैं समोसे, पकोड़े, बिस्किट, फ्राइड चिप्स के ऊपर। बट शार्क्स, डोंट वरी, हमारे पास इस 4 बजे के हादसे का समाधान है। स्नैकिंग का सुपर हीरो ग्रीन स्नैक को। नाइस। मेरा नाम जैस्मिन कौर है एंड मैं सीईओ एंड कोफाउंडर हूँ ग्रीन स्नैक को की। मेरा नाम चेतन शारदा है, मैं सीईओ और कोफाउंडर हूँ ग्रीन स्नैक का। प्रोडक्ट्स हैं ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स से बने हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। इनमें कोई MSG या प्रिजर्वेटिव्स नहीं है और ये बहुत ही कम तेल और बहुत ही कम मसाले से बनाए गए हैं। कोविड से पहले हम भारत के 30 से ज्यादा शहरों में 5 एक्सपोर्ट मार्केट्स में अवेलेबल थे। कोविड से हमारा बिजनेस जो 96% ऑफलाइन था वो अफेक्ट हुआ, पर हमने हार नहीं मानी और हमने उसको फिर से दोबारा स्टेप बाय स्टेप वापस ग्रो किया। 10 लाख से ज्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि शार्क टैंक के जरिए हम उन सब लोगों तक पहुंचे जो अपनी जिंदगी और अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं। हमारा आस्क है 1 करोड़ रुपए 2% इक्विटी के लिए। जैस्मिन एंड चेतन, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। एंड हेल्दी फूड में तो सबकी रुचि बहुत होती है, स्पेशली 4 बजे का हादसा आई थिंक हम सबके साथ होता है। बिल्कुल। सो वेरी रेलेवेंट पॉइंट एंड आई एम असूमिंग यू आर रिलेटेड। वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप आपके बैकग्राउंड के बारे में बताएं, लाइक व्हाट इज योर एजुकेशन, फिर कैसे ये बिजनेस के बारे में सोचा आपने, थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए। तो मैंने ग्रेजुएशन करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से और MBA किया दिल्ली में LBSIM स्कूल से। उसके बाद मैंने HDFC बैंक ज्वाइन किया और वहाँ पे मैंने प्राइवेट बैंकिंग में काफ़ी टाइम काम किया। और जो मेरी फाइनल कंपनी थी बिफोर स्टार्टिंग आउट वो थी मैरिको। मैरिको में क्या रोल था आपका? आई वॉज हैंडलिंग द रिटेल पार्ट ऑफ द बिजनेस फॉर दिस ब्रांड कॉल्ड काया। दे वॉन्टेड टू लॉन्च अ स्किन केयर फॉर्मेट, तो वो बिजनेस बिल्कुल स्क्रैच से, उसके नाम से लेके वो कहाँ खुलेगा, टीम को हायर, प्रॉफिट एंड लॉस उसका आप मैनेज करती? पूरा का पूरा फ्रॉम स्क्रैच मैंने हैंडल किया। तो वो ऑलमोस्ट मेरे लिए एंटरप्रेन्योरियल वेंचर ही था। फैंटास्टिक। मैंने स्कूलिंग और ग्रेजुएशन दोनों दिल्ली से किया। MBA के लिए सिम्बोसिस गया और उसके बाद प्लेसमेंट के बाद बॉम्बे आया। अराउंड 8 साल रियल एस्टेट में स्पेंड किए और उसके बाद जैस्मिन गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू मी कि लेट्स स्टार्ट। आई लव द वे यू पुट इट, आई लव इट, दैट्स व्हाई शी इज द सीईओ। ओह यस, एब्सोल्युटली। ये एक्चुअली शुरू मेरे पर्सनल पेन पॉइंट से ही हुआ। मेरा पंजाबी बैकग्राउंड है, सरदानी हूँ मैं, तो मैंने काफी सारा बटर चिकन अपनी पूरी जिंदगी खाया है एंड उसके करके बहुत सारा वेट गेन एंड ऑल ऑफ दैट। सो जो मेरा पर्सनल स्ट्रगल था फिटनेस और हेल्थ को लेके, उसी ने लीड किया कि मैं कुछ ऐसा करूं जो हेल्थ एंड फिटनेस की स्पेस में है। उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ बैक इन 2015 क्यों ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है जो ऑथेंटिकली हेल्दी हो और बहुत ज्यादा टेस्टी भी हो। बिकॉज ऑनेस्टली एज अ पंजाबी मुझे अपने मुंह में कुछ नहीं डालना जो टेस्टी नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। द प्रोडक्ट हैज टू बी टेस्टी एंड तो उसका जो बैलेंस है उस टाइम पे मुझे नहीं मिला जब मैंने शुरू किया। हमारा ये मोटो है कि जो प्रोडक्ट्स हैं ये आप रोज खा सके। ऐसा नहीं है कि अरे अभी मैं डाइट पे हूँ तो मैं खाती हूँ। रोज खा सके तो खिला क्यों नहीं रहे हो? बिल्कुल राइट अवे। राइट अवे। इन सबको मैंने बिगाड़ दिया खाने के लिए। Hello, thank you, thank you. Yum, this looks really good. Thank you. Wow. Delicious, very tasty. बहुत बढ़िया. So crunchy. लिटिल स्पाइसी दो। हाँ, ये फायरी स्पाइस किनवा पफ है, काफी स्पाइसी है, बट आप बिलीव करेंगे कि ये हमारा नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट है। तो इंडिया है भाई, स्पाइसी तो सबको पसंद है। और ये क्या है? और ये भी किनवा पफ है, बट इस पे हमने डार्क चॉकलेट कोट किया हुआ है। अच्छा टेस्ट है इसका, बहुत अच्छा है। मतलब मुझे सूझा नहीं था कि किनवा पफ और चॉकलेट ऐसा टेस्ट कर सकता है। आई मीन सो सच अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर माय 11-year-old जो चॉकलेट खाता है। चॉकलेट पफ खा रहा हूं, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये बच्चे बहुत प्रेफर करते हैं। और ये क्या है? ये सुपर स्टिक्स करके हमारा प्रोडक्ट है जो रागी और सोया से बना हुआ है। यम्मी, बहुत वेरी टेस्टी, बहुत यम्मी। आज के दिन आपका कितना सेल्स ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन है? अभी जो ऑनलाइन बिजनेस है हमारा 10 से 15% है, एंड बाकी जो है 85% ऑफलाइन है। उसमें क्विक कॉमर्स इज अनदर 15 to 20% विदिन 85%, 15 से 20% वो है। बाकी डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है और इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों मिला। तो ऑफलाइन का बता दीजिए, मॉडर्न कितना है, जनरल ट्रेड कितना है? आउट ऑफ द 100% ऑफ ऑफलाइन व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, 50% इज मॉडर्न ट्रेड, 20% is split between HORECA, which is hotels, restaurants, cinema halls, and the balance is general trade. Is this correct कि इसमें लिखा है sodium is 1130 milligram in 100 grams? Isn't that too much? And आपको पता है कि sodium is the like your biggest enemy of heart health. क्या कर रहे हो यार, मैं पूरा खा गया। हम कुछ भी आर्टिफिशियल एनहांसर्स वगैरह यूज नहीं करते हैं, तो सॉल्ट बेसिक लेवल पे होता ही है, तभी आपको वो राउंडेड फ्लेवर मिलेगा स्नैक वाला, नहीं तो आपको वो स्नैक वाली फीलिंग नहीं आती है। आई मीन दैट्स द ऑनेस्ट ट्रूथ। ये हेल्दी है? हाँ जी सर, ये बिल्कुल हेल्दी है। नॉर्मल स्नैक से 50% ज़्यादा प्रोटीन, 50% ज़्यादा फाइबर एंड अ लॉट मोर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और बाकी सब कुछ। जैस्मिन, आई डोंट एग्री विद यू। वही मैं कह रहा था कि इसके पीछे देखो ना एक बार। मैं भी वही देख रहा था, मैंने माँ की ही किया था। आई थिंक लेट अस रिफ्रेज, ये नॉर्मल स्नैक के बराबरी में हेल्दियर है, उसको हेल्दी नहीं कहते। आई थिंक द क्वेश्चन इज, क्या ये सचमुच फायदेमंद है कि कम हानिकारक है? सर ये डेफिनेटली बेटर फॉर यू है, और इसमें जो बहुत सारी चीज़ें जो मेन स्ट्रीम स्नैक्स है उनमें होती हैं वो इनमें नहीं है, चाहे वो प्रिजर्वेटिव्स हो, MSG हो, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हो, आर्टिफिशियल कलर्स हो, या और जैसे बहुत सारी चीज़ें। अब मेरे थोड़ा रेवेन्यू नंबर, स्केल ऑफ कंपनी बताएंगे और ग्रोथ क्या रही है पिछले कुछ सालों में, वो बताइए। तो जब हमने शुरू किया था 2015-16 में 40 लाख हमारा एनुअल रेवेन्यू था। वहाँ से 17-18 में हमने अराउंड 2 करोड़ किया, फिर 18-19 में हमने 7 करोड़ किया, एंड देन उसके बाद अगेन सो अराउंड 5 से 7 करोड़ का रेवेन्यू ऑन एन एवरेज ARR हम लोग कर रहे थे कोविड से पहले। और जैसे ही कोविड आया काफी, मतलब काफी मेजरली इंपैक्ट हो गया। क्वांटिफाई कर देंगे काफी मतलब कितना? 2020-21 का रेवेन्यू देखेंगे तो इट ड्रॉप बाय ऑलमोस्ट 50%, तो कोई 2.5 करोड़ का रेवेन्यू हमने उस साल में किया था। बट उसके बाद लास्ट ईयर जो हमारा रेवेन्यू था वो 4 करोड़ का था। Very और nice. ये साल हम डेफिनेटली उसको क्रॉस ही करेंगे। पिछले महीने कितना किया? पिछले महीने का रेवेन्यू 25 लाख का था। क्या हो रहा है भाई, कम क्यों हो रहा है आपका धंधा? तो गिर रहा है। हाँ, FMCG बिजनेस है, फंड्स अभी बैंक में है नहीं। वो टाइम भी आपने किया था बिना पैसे उठाए, बिना फंडिंग लिए, तो अभी सिर्फ 25 लाख का क्यों कर रहे हो, गिर क्यों रहे हो? सर उस टाइम पे हमने फंडिंग उठाई थी। हमने सबसे पहला फंड उठाया था, वो था 2016 में, वो था हमारे एंजल इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने 1 करोड़ रुपए डाला था, वैल्यूएशन 13 करोड़ पोस्ट मनी थी। उसके बाद 2017 में 3.2 करोड़ मतलब ½ मिलियन हमने रेज किया एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, और उन्होंने जो वैल्यूएशन दी थी वो थी 23 करोड़ की पोस्ट मनी वैल्यूएशन। 2017 वाज अ गुड टाइम। उसके बाद 2018 में सेम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने आगे कुछ 8 करोड़ और डाला था। सो वो एक्चुअली ब्रिज कन्वर्टेबल, हाँ कन्वर्टेबल था। आगे चल। और 2019 तक हम जो हमारा रेवेन्यू था, एक बार मैं थोड़ा बोलना चाहूँगी, वो 70 से 80 लाख नेट रेवेन्यू पे हम पहुँच चुके थे, और वहाँ से हम एक लार्ज सीरीज रेस कर रहे थे, बट क्योंकि कोविड आया वो राउंड नहीं हो पाया। और हम सिर्फ 5 करोड़ रेस कर पाए और ये था बिल्कुल कोविड से पहले। जस्ट यू रेस 5 करोड़ स्टिल। हाँ जी, क्या वैल्यूएशन था? 5 करोड़ भी ब्रिज था। तो वो जो पूरा 8 और 5 मिला के, 8 और 5.5 था एक्चुअली, तो वो पूरा मिला के 67 करोड़ पोस्ट मनी की वैल्यूएशन। तो आपकी इक्विटी कितनी बची है? आपकी 53% इक्विटी बची। इक्वली डिवाइडेड आप दोनों के बीच? हाँ जी, हाँ जी, इक्वली। काफी कंपनीज इससे बहुत कम रेज करके 2-2 करोड़ पर मंथ पे पहुंच गई हैं और प्रॉफिटेबल भी हैं। आपको क्या लग रहा है एक स्किल मिसिंग क्या है? सर, आज जो सबसे बड़ी चीज जो हमें लगती है जो मिसिंग है वो एक वर्किंग कैपिटल, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स खड़े होते हैं। आपने तो कितने 20-25 करोड़? आज मैं आज की बात कर रहा हूँ जब कोविड के बाद की। लास्ट ईयर लॉस कितना था? अराउंड 1.5 करोड़ के आसपास। 1.5 करोड़ का लॉस। तो जो हमारा बर्न था जो पहले 50 से 60 लाख महीने का था वो हम 20 लाख पे लेकर आए महीने का, और अब हम ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि कोविड से पहले की अगर बात करें, एफएमसीजी बिजनेस को बनाने के लिए पैसा चाहिए, ये रियलिटी है। ऑफलाइन में आपको कस्टमर को रीच आउट करना है तो आपको स्पेंड करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी फॉर्मेट से करें। आई डोंट एग्री। मेरे 2 बिजनेस थे लास्ट टाइम, एक था बियॉन्ड स्नैक्स चिप्स वाला और था लेट्स ट्राई। दोनों बिजनेस बना रहे हैं, हेल्दी बिजनेस बना रहे हैं और प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे हैं। तो मैं इस डील से आउट होना चाहूँगा क्योंकि पहले आपने बहुत ज़्यादा फंड रेस करा हुआ है और सेकंड मुझे लगता है कि मैट्रिक्स है ना, फाइनेंशियल मैट्रिक्स, वो मेरे को अभी क्लियर नहीं हो रहे कि आप कैसे पैसा बना रहे हैं। फॉर दोज 2 रीजंस आई एम आउट। चलिए, मैंने भी अपना डिसीजन बना लिया, मैं आपको बता देता हूँ। I generally don't invest जहाँ पर कंपनीज में questionable health claims होते हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा इश्यू है। दूसरी मुझे प्रॉब्लम लग रही है आप में लेगेसी थिंकिंग लग रही है मुझे। जो इतने साल आपने काम किया, FMCG में किया, आपने प्राइवेट बैंकिंग में, तो कहाँ आप ये समझ के बैठ गई है कि काफ़ी रूल्स होते हैं और वही रूल से बिजनेसेस बनते हैं। आज का ज़माना है डिसरप्शन का और आज का ज़माना है टू बिल्ड फ्रूगली। तो यू हैव टू ब्रेक द रूल्स टू क्रिएट ग्रेट बिजनेसेस। आप वो रूल्स नहीं तोड़ पा रही हैं आज, और आप एक क्लटर्ड मार्केट में आप जिद लगा के बैठे हैं कि अगर ज़्यादा पैसा मिल गया तो हम बना लें। तो आई थिंक यू शुड रीथिंक, रीअसेस एंड रीइवैल्यूएट। फॉर दोज रीजंस आई एम आउट। ऑल द बेस्ट। सोडियम कंटेंट से आई हैव अ प्रॉब्लम। I don't think it's the healthiest thing, but I wish you the best. But I cannot be a part of this journey. बड़ी छोटी-छोटी शहरों से आज की डेट में थी शार्क टैंक में मैं देखता हूँ प्रॉफिटेबल ब्रांड नहीं फूडिंग की, पर उन्होंने क्रैक मारा है हाउ टू यूज मार्केट प्लेसेज वेल। और अभी भी आपका जो रेशियो है उसके अंदर अभी भी आप ऑफलाइन, क्योंकि आप जिस टाइम से आए हैं उस टाइम पे ये चलता था। आपको एक न्यू एज को फाउंडर चाहिए मेरे व्यू में, जो कि डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट हो। आप एक ऐसा साथी जोड़े, मेरे व्यू में आपके लिए बेहतर रहेगा। मुझे लगता है कि काफ़ी लर्निंग अभी बाकी है इतने पैसा गंवाने के बाद। तो आज मैं बाहर होना चाहूँगा, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए, 4 शार्क्स आउट है, विनीता जी अभी भी है। बैंक में कितने पैसे बचे हैं? About 10 lakhs is what we have in the bank. तो कैसे होगा नेक्स्ट मंथ का सैलरी? मतलब वर्किंग कैपिटल में भी पैसा? आपको बड़ी चिंता है, ऑफर कर दीजिए। आप अपने काम से मतलब रखिए। अच्छा, तो सच बात तो ये है कि अभी विदाउट मिंसिंग वर्ड अभी आप रॉक बॉटम पे हैं। हालत टाइट। अभी 40 से 50 लाख के हमारे पास महीने के ऑर्डर्स हैं, उनमें से हम जो सप्लाई कर पाते हैं 20 से 25 लाख का हम सप्लाई कर पाते हैं। प्रेडोमिनेंटली वर्किंग कैपिटल रिलेटेड कंसर्न्स हैं। तो आज अगर आपको फंडिंग नहीं मिलती है यहाँ से, और मुझे लगता है बाहर से भी मिल पाएगी, आपके पास यू नो बहुत कम पैसे हैं, तो आप फिर भी ये बिजनेस को अगले 5 साल तक चलाएंगे कि आप इसको बंद करके कुछ और करने का सोचेंगे? आई थिंक हमने डेफिनेटली काफ़ी टाइम इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, हम इसको बेस्ट चांस देना चाहते हैं। We personally believe in a philosophy कि जब तक आप गेम में हैं तब तक आप खेल सकते हैं। If you are out, then you are out. अगर मैं 6 महीने पहले शायद बंद कर देता ये सोच के कि पैसे नहीं हैं या ख़त्म होने वाले हैं, तो आज मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। प्रोडक्ट में जान है, ब्रांड में जान है, इसलिए आज भी बिना कुछ मार्केटिंग किए हम 25 लाख बेचते हैं। ये जब रॉक बॉटम सिचुएशन होती है तो उसमें जो लर्निंग होती है एज अ फाउंडर, आई थिंक वो लाइफ टाइम के लिए काफी स्पेशल होती है। मैंने वो दिन देखे हैं 10 लाख बैंक में। तो चलिए मैं आपको 1 करोड़ फॉर 8% ऑफर करती हूँ, 12.5 करोड़ की वैल्यूएशन। जो आपका 4 करोड़ का लास्ट ईयर का था उस पे मोर देन 3 टाइम्स मल्टीपल है। एंड विद द अजम्पशन कि आप इसको अपने प्रीवियस जो राउंड्स रेज किए हैं उसकी तरह बर्न नहीं करेंगे, प्रॉफिटेबली ग्रो करेंगे, इसको सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए डिप्लॉय करेंगे एंड प्रॉफिट्स जनरेट करेंगे। कांग्रेचुलेशंस, यू हैव एन ऑफर, इट्स अमेजिंग। एंड दिस इज माय फाइनल ऑफर। Okay, Vineeta, ये डील पक्की। All right, that's good for you guys. Thank you. Vineeta, तू रो रही है ना? वो नहीं। एक तो टपका मैंने देखा। Good, it was a heart-touching, emotional deal and good. मुझे जैस्मिन एंड चेतन को मिलके अपनी याद आई कि जब हमारे पास फ्यू लैक्स बचे थे, किसी ने हमें 1 करोड़ का एक लोन दिया था और वो 1 करोड़ के लोन को हमने अपने रॉक बॉटम से रिवाइव होने के लिए यूज किया एंड हमने उन्हें कभी लेट डाउन नहीं किया था। एंड मुझे बहुत कन्विक्शन है जैस्मिन एंड चेतन में कि वो इस 1 करोड़ से एक 100 करोड़ का बिजनेस बनाएंगे।